भेनमाल नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों अवैध निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 40 में पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र माली ने तत्कालीन अधिशासी अधिकारी व नगर पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पालिका चेयरमैन पति सुरेश बोहरा खुलेआम मोटी रकम लेकर बिना इजाजत के अवैध निर्माण कार्य करवा रहे हैं। शहर में इन दिनों जगह जगह आवासीय भूखंड पर कॉमर्शियल भवनों का निर्माण चल रहा है। वहीं नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन नगरपालिका भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कई बार नगरपालिका में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। महज खाना पूर्ति के लिए एक दिन का काम रुकवाया जाता है, फिर मोटी रकम लेकर फिर से काम शुरू करवा देते हैं। आपको बता दें कि भेनमाल नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य 15 दिन पूर्व ही 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं पार्षद पति जितेंद्र माली की मेरे वार्ड में 5 मंजिली बिल्डिंग बन रही है, तो वो आवासीय है, वो कॉमर्शियल दुकानें बन रही है। वहाँ पे कम से कम 20 से 25 दुकानें बन रही है और 5 माल का पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मगर नगर पालिका में कई बार शिकायत करने के बाद भी कई बार काम रुकवाया, वापस शुरू करवाया। अब वापस शुरू कराने के बाद चेयरमैन पति सुरेश जी बोहरा द्वारा बहुत मोटी रकम लेके ये काम वापस शुरू करवा दिया। मैंने कई बार शिकायत मौके की, काम नहीं हुआ, फिर मैंने लिखित में शिकायत दी नगर पालिका में 15 तारीख को। उसके बाद अभी तक काम बंद है, कोई कार्रवाई हुई नहीं है और अभी भी हो नहीं रही है। और भेनमाल में कई जगह भी बिना इजाज़त काम चल रहे हैं, उसकी भी बहुत मोटी मोटी रकम वसूली जा रही है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवा के। नगर पालिका में देखा जाए तो पहले भी ईओबी बड़ी रकम के मामले में ट्रैप हो चुके हैं, उसमें भी चेयरमैन पति का भी नाम आ रहा था और भी कई ऐसे अवैध निर्माण है जो जारी है। निर्माण कार्य निर्माण बहुत पूरा भेनमाल में जारी है, मगर मैं उसका तो कुछ वैसे दिए भी है, कुछ ने नहीं भी दिए, उसका मैं किसी ने इजाज़त ली है नहीं ली है उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैं मेरी वार्ड के लिए जो बिना इजाज़त काम चल रहा है उसके लिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वो काम। आप पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और आपकी वार्ड में ऐसे बिना इजाज़त के कार्य हो रहे हैं, तो पर इसका मतलब चेयरमैन इसमें सहमत मिले हुए होंगे? शायद हो सकता है चेयरमैन पति को मोटी रकम दी है इसलिए मिले होंगे। पूरा भेनमाल बहुत बड़ा है, बहुत जगह अनलीगल काम चल रहे हैं और पता नहीं कितनी मोटी मोटी रकम वसूली जा रही है। मगर मैं तो मेरे वार्ड का ही बोलूँगा कि वहाँ 5 मंजिली बिल्डिंग बन रही है, कार्रवाई करवा के बंद करवाएं।